बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो बाय फसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि हम अपने पीसी या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने चलना है क्रोम की तरफ। क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे igetintopc.com। इसको सर्च करेंगे तो ये इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो भी वर्जन आपने करना है। मुझे 16 करना है तो मैं 16 सर्च कर रहा हूँ। इसको सर्च करेंगे, ये सर्च हो गया। ये देखें, ये हमारे पास जो पहला वाला दे रहा है हम इसको कर लेंगे क्योंकि ये अपडेटेड है। तो इसको हम करेंगे डाउनलोड। इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया हमारे पास। तो ये जो है हमें जो है ऑप्शन देता है कि 32 बिट वर्जन करना है या 64 बिट वर्जन। तो हमें अगर ये मालूम नहीं है कि हमारा पीसी या लैपटॉप 32 सपोर्ट करता है या 64 बिट वर्जन, तो उसके लिए हम जिस पीसी में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि मेरा पीसी या लैपटॉप जो भी है वो 64 बिट का है। तो मैं जो हूँ 64 बिट वाली कर लूँगा। जो आपका वर्जन होगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं इंस्टॉल या डाउनलोड। तो ओपन कर लेते हैं, 64 वाली जो है डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो है 10 सेकंड्स का टाइम लेगा, फाइल प्रिपेयर करेगा डाउनलोड की। इसको टाइम पूरा होने दें। और ये इसने हमें ऑप्शन दे दिया है डाउनलोड करें, यहाँ से सेंड एनीवे करेंगे। तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है इसका, ये पूरा हो जाए तो ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा डाउनलोड जो है, देखें आप, स्टार्ट हो चुका है। तो क्योंकि मेरे पास ये जो है डाउनलोडेड है, तो मैं इसको जो है कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ये मैंने पहले से डाउनलोड करा हुआ है। तो ये देखें डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोडेड है। कैंसिल कर दूंगा। अब चलते हैं फाइल की तरफ। इसकी दिस पीसी में जाएंगे और ये हमारे पास डाउनलोडेड में आएगा, डाउनलोड्स में आएगा। तो ये मेरे पास पहले से डाउनलोडेड था, मैंने इसकी फाइल मूव कर ली है। ये मैंने फोल्डर बनाया था इस तरह की, जो आपके पास ये कंप्रेस्ड फाइल देगा, इसको आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट। करेंगे आप इसको जिधर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, जिस फोल्डर में, वहाँ पर आप करेंगे एक्सट्रैक्ट। फिर ये इस तरह के ऑप्शन दे देगा आपको। ये एप्लीकेशन का जो है ना, ये फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे सब कुछ जो है क्रैक वगैरह जो भी है, इसको आपने एप्लीकेशन वाले को करना है ओपन। इसको यहाँ से करेंगे आप इंस्टॉल ऑफिस, लिखा हुआ देखें। यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें जो भी आपने, अब इसको जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे अगर मुझे ये नहीं चाहिए मिसाल के तौर पे स्काइप फॉर बिजनेस, तो मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं कर रहा हूँ। इंस्टॉल ऑफिस करेंगे, यहाँ से कर लेंगे आप इंस्टॉल ऑफिस। इंस्टॉल ऑफिस करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा। क्योंकि ये मेरा इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। और अगर कोई मसला होता है तो मुझे कमेंट में बताएं कि ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, या जो भी मसला है आपका वो आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। तो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ से जो है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं MS ऑफिस, देखें वर्ड आ गया है मेरे पास, वर्ड हुआ हुआ है मेरे पास, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।